हाय फ्रेंड्स, मक्का खाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मक्के को आप यहाँ पे बॉईल कर लें कुकर के सहारे से या डेगची के सहारे से। पानी डालकर हम यहाँ पे पानी डालकर 2-3 सीटियाँ लगा लेंगे। सीटी होने के बाद में इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे नया कुकर खोल लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। बढ़िया से अपना मक्का पक चुका है, प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे नींबू, कुछ मसाले रखे हैं, चाट मसाले वगैरह जो हमने भी बनाए हैं, सूखे मिर्च और जीरे का पाउडर, वो भी डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नींबू निचोड़ रहे हैं, नींबू का रस। तो हमने यहाँ पे 2 प्रकार में निकाल लिए, एक अपने हाथों से पूरा छुरी के सहारे से छोटे छोटे टुकड़े में निकाल लिए, बाकी को कट लगा लिए हैं। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, सूखी मिर्ची जीरे का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इसका खाने को मज़ा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। मक्का भी सीजन में आ रहा है, तो आप इसको ला के अपने घर में इस तरह से बना के इसका सलाद के टाइप का खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल समरीन किचन को। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से हमारा मक्का मसाले में मिक्स कर चुके हैं हम, अब इसका खाने का मजा लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से अपने हाथों से सूखी मिर्च जीरे का पाउडर का वीडियो भी हमने डाले हैं, कैसे बनाए आप चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन में जाकर देख के जान सकते हो। हमने यहाँ पे सूखी मिर्च और जीरे का पेस्ट पाउडर बनाया है, कैसे वीडियो अच्छी तो पक्का लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।